त वर्ग का उच्चारण स्थान है। दंत प वर्ग का उच्चारण स्थान है। ओष्ट च वर्ग का उच्चारण स्थान है। तालु वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। कक्षा त्र और ज्ञ में तीनों कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्सम। आग कौन सा शब्द है? तद्भव। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम। टेबल कौन सा शब्द है? विदेशज। नाक कौन सा शब्द है? रूढ़। फूल कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। लंबोदर शब्द कौन सा शब्द है? योग रूढ़। सोना कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक। मैं कौन सा पुरुष है? मैं में कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। आप में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम। ख्याल कौन सा शब्द है? विदेशज। तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज। गोल कौन सा विशेषण है? गोल जो शब्द है कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। कोई विशेषण है, कोई जो शब्द है ये कौन सा विशेषण है ये बताना है। सार्वनामिक विशेषण। तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। नाक में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। नव युवक कौन सा समास है? कर्मधारय समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। देशभक्ति कौन सा समास है? तत्पुरुष समास।
नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। दोपहर शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य। ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष। यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। वीड़ा पाड़ी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। द्वन्नी कौन सा समास है? द्वन्नी में कौन सा समास है? दीर्घ समास। पदबंध कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। इनमें से अशुद्ध जो है वो है मंत्रिमंडल। बैच नंबर में बताना है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? साप्ताहिक, वीड़ा, वाष्प, सिंदूर। साप्ताहिक अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। नक्षत्र जो है अशुद्ध है, क्योंकि नक्षत्र ऐसे नहीं लिखा जाता है। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विपथगा। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यातना। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सर। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पावक। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? छह प्रकार के। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? चार भेद हैं।